A very warm good morning to all my dear student. How are you all? I think you all are fine. Now student, today we started a new lesson. It's lesson number 5, houses. We know that we all need houses to live in. हमें सभी को घर चाहिए रहने के लिए. And you all have the houses. आप सभी के पास houses हैं, ठीक है? Where you live, जहाँ पर आप लोग रहते हो, these are your houses. Okay? So now student, in class first, we read that houses keep us safe from the following. We know that student, in class first we already read that about the houses, ki houses hame safe rakhte hain from heat, cold, thieves, wild animals, dust and dirt. Okay, now look at the picture. This is the picture of a sun. The houses protect us from the heat. The houses protect from the cold. The houses protect us from the dust and dirt. Houses protect us from the wild animals. And also the houses protect us from the thieves. Okay? So now let's study about the houses. We also read that there are two types of houses, kacha house and a pakka house. Students, we already read that in a class first. We have a two types of houses. It's kacha house and a pakka house. Kacha house are made up of mud, leaves and straw. Jo kacha houses hote hain, this is a picture of a kacha house. It is made up from mud, mitti, theek hai, leaves एंड स्ट्रॉ से बनते हैं. दे आर यूजली फाउंड इन विलेजेस. ज़्यादातर ये हमें गाँव में देखने के लिए मिलते हैं. स्टूडेंट, वेन यू गो योर विलेजेस एट द हिली प्लेसेस, ठीक है, हिली प्लेसेस में जब हम गाँव जाते हैं, जहाँ पे हिली एरियाज होते हैं, वहाँ पे हमें इस टाइप के हाउसेस देखने के लिए मिलते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड हट. इस हाउसेस को क्या कहा जाता है? हट. पक्का हाउस आर मेड अप. नाउ वी स्टडी अबाउट द पक्का हाउस. पक्का हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, वुड एंड आयरन. जो पक्का हाउसेज होते हैं वो आपके ब्रिक्स से, सीमेंट, वुड और आयरन से बनाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज. ये अधिकतर हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? थोड़ा ये हमें विलेजेस में देखने के लिए मिलते हैं, मोस्टली हमें टाउन्स और सिटीज़ में देखने के लिए मिलते हैं. They are found in villages, towns and cities. जो पक्का houses होते हैं वो हमें towns, village, cities and थोड़ा सा villages में देखने के लिए मिलते हैं. But now many villages have a पक्का house. लेकिन आज के time पर हम देखेंगे कि बहुत सारे villages के पास भी पक्का houses होते हैं. Based on how they are built, houses can be called single storied or a multi storied. बेटा, हाउसेस के ऊपर डिपेंड होता है, पक्का हाउसेस के ऊपर डिपेंड होता है कि बेस्ड ऑन अ पक्का हाउस हाउ दे बिल्ड. इफ़ दे आर टू टाइप्स, इट्स सिंगल स्टोरीड और मल्टी स्टोरीड. सिंगल स्टोरीज में आपके पास सिंगल हाउसेस होते हैं जिनके ऊपर हाउसेस नहीं होते. मल्टी स्टोरीड में क्या होता है, हमारी रूफ के ऊपर हाउस होता है, उसके ऊपर हाउस होता है, बहुत सारे हाउसेज एक के ऊपर एक बनाए जाते हैं. दिस इज कॉल्ड मल्टी स्टोरीड, ठीक है. मल्टी स्टोरीड हाउसेज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट्स. मल्टी स्टोरीड हाउसेज को फ्लैट्स भी कहा जाता है. फ्लैट्स हेल्प टू सेव स्पेस. फ्लैट्स क्यों बनाए जाते हैं? फ्लैट्स आपके स्पेस को सेव करने के लिए बनाए जाते हैं. Look at this picture. This is a picture of a multi-storied house which having many flats, जिसके पास बहुत सारे flats हैं. Okay, roof के ऊपर जब हम एक house बनाते हैं, उसके ऊपर दूसरा house बनाते हैं, तो multi-storied house बन जाते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर. इससे हमारी जो land होती है side की, वो क्या होती है? Save हो जाती है, ठीक है. We save the land with when we build multi-storied building. Okay, सो नाउ स्टूडेंट, अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, ठीक है. फर्स्ट वी रीड अबाउट द इग्लू. इग्लू एंड इग्लू इज मेड ऑफ आइस एंड स्नो. इग्लू क्या है? आइस और स्नो से मिलकर के बनाया जाता है. दिस इज अ पिक्चर ऑफ एन इग्लू. ये आइस और स्नो से मिलकर के बनाया जाता है. इट इज़ फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. ये बहुत ही ठंडे प्लेसेस में हमें देखने को मिलता है. स्कीमोस जो होते हैं, जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, जिन्हें हम स्कीमोस कहते हैं, वो यहाँ पर इन घरों में रहते हैं, ठीक है. नाउ दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ बैंगलोर. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ बंगलो. बंगलो वर आर मोस्टली फाउंड इन टाउन्स. टाउन्स में अधिकतर देखने के लिए मिलते हैं हमें बंगलोज, ठीक है. एंड सिटीज, शहरों में भी. अब बंगलोज एज अ सिंगल स्टोरीड हाउस, ये एक सिंगल स्टोरीड हाउस होता है. इट इज़ अ लार्ज हाउस विद अ लॉन. ये क्या होता है? बहुत बड़ा हाउस होता है जिसके पास खुद का एक लॉन होता है, ठीक है. लॉन बोले तो एक मतलब प्लांट वगैरह लगाने के लिए गार्डन टाइप का वहाँ पे होता है, जिसमें बहुत ही प्यारा प्लांटिंग वगैरह हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. शोवर, सिंपल शोवर बना सकते हैं इसको, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड बैंगलोर.
नाउ कारवान, कारवान इज अ स्पेशल हाउस, कारवान इज अ हाउस ऑन व्हील, व्हील के ऊपर हाउस होता है कारवान, ठीक है, हाउसेस जिसमें व्हील होते हैं. नाउ लुक एट दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ कारवान. ओके, देखिए हाउस है और हाउस के जो है उस पर नीचे क्या लगी है, व्हील लगी है. ये इजीली स्टूडेंट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है, ठीक है, इट कैन बी मूव इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ द व्हील, व्हील की हेल्प से. इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर लिया जाता है. नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ टेंट. अ टेंट इज मेड फ्रॉम थिक क्लोथ. टेंट क्या है, थिक क्लोथ से बनाया जाता है, कॉल्ड कैनवास, जिसको कि कैनवास कहते हैं. इट इज़ यूज बाय कैंपर्स, कैंपर्स द्वारा यूज होता है, ठीक है, और सोल्जर्स वगैरह भी इसको यूज़ करते हैं. जो लोग एक जगह पर ज़्यादा देर नहीं रहते हैं उनको थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर रहना होता है, आफ्टर टेंट को लेकर करके अपना दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो कैंपर्स ये सब चाहिए होता है. कैंपर्स जो कैंप लगाते हैं वो लोग मोस्टली इन हाउसेस को यूज़ करते हैं. टेंट्स आर ऑल्सो यूज बाय द पीपल्स लिविंग इन डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में रहने वाले लोग भी इन टेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको भी इधर उधर शिफ्ट होना होता है ज़्यादातर, तो वो यूजली इन्हीं टेंट्स का यूज़ करते हैं. नाउ द सेकेंड हाउस इज हाउस बोट. एक हाउस बोट होती है जो कि बोट के ऊपर हाउस बनाया जाता है. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ हाउस बोट, ये एक हाउस बोट का पिक्चर है, ठीक है स्टूडेंट. This is a boat with a many rooms in it. ये एक ऐसी बोट है जिसकी जिसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, हाउस होता है बोट के ऊपर जिसपे कि बहुत सारे रूम्स होते हैं. In India, Kashmir has many house boats. कश्मीर में बहुत सारे हाउस बोट्स होते हैं. We look these house boats on Kashmir because Kashmir having so many canals, बहुत सारे canals वहाँ पर हैं, rivers हैं, तो वहाँ पर ये लोग जो होते हैं कश्मीर के लोग ये हाउस बोट वगैरह यूज़ करते हैं, वो लोग बोट पे ही रहते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स अस रिकॉल, हम कुछ रिकॉल देख लेते हैं. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन, वी नो दैट हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स डर्ट एंड डस्ट, और इसके अलावा हाउसेस हमें डर्ट थीव्स एंड डस्ट से भी बचाते हैं. देर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेज, हाउसेज के बहुत सारे टाइप्स हैं, लाइक दैट इग्लू, कारवांस, टेंट, हाउस बोट्स, ETC, ठीक है, बंगलोज इज ऑल्सो. ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द एक्सरसाइज. इट्स अ पेज नंबर 21. टेक द करेक्ट आंसर्स. अ हाउस मेड ऑन व्हील इज कॉल्ड, जो हाउस व्हील पे बनाया जाता है वो क्या कहलाया जाता है, इट्स अ कारवान. कारवान और इग्लू, इट्स अ कारवान, जो हाउस व्हील पे होता है इट्स अ कारवान. एस्किमोस लिव इन, एस्किमोस कहाँ रहते हैं, हाउस बोट में या इग्लूज, तो एस्किमोस लिव इन इग्लूज. हाउस बोट कैन बी सीन इन, हाउस बोट कहाँ देखने को मिलते हैं, हाउस बोट कैन बी सीन इन बिहार और कश्मीर, हाउस बोट कैन बी सीन इन कश्मीर. ओके, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड अ हाउस, हमें हाउस की जरूरत क्यों होती है, वी नीड अ हाउस टू लिव इन. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज दैट वॉट इज स्पेशल अबाउट द कारवांस, कारवांस का स्पेशलिस्ट क्या है, क्या स्पेशल थिंग है कारवांस में. द स्पेशल अबाउट अ कारवांस इज अ हाउस ऑन अ व्हील, इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजिली. वॉट इज अ हाउस बोट, हाउस बोट क्या है, दिस इज अ बोट विद अ मैनी रूम्स इन इट. इन इंडिया कश्मीर हैज मैनी हाउस बोट्स. ओके, सो नाउ स्टूडेंट हेयर सम थिंग्स, राइट थ्री वेज इन विच यू हेल्प योर मदर इन कीपिंग योर हाउस क्लीन. तो ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको इसी बुक में ही थ्री वेज लिखने हैं जिस तरीके से आप अपने हाउस को क्लीन रख सकते हो. वी नो दैट वी ऑल्सो कीप अवर हाउस क्लीन टू क्लीनिंग अवर हाउस, डस्टिंग अवर हाउस, ठीक है, अपने हाउस को डस्टिंग करेंगे एवरी डे, क्लीन करेंगे, ठीक है. तो ये हम सब बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अपने हाउसेस को क्लीन करने के लिए, ठीक है, अपनी डोर्स विंडोज़ सुबह मॉर्निंग में इवनिंग टाइम पे उनको ओपन रखेंगे ताकि जो सूरज की किरणें हैं सन रेज हैं वो ईजिली हमारे हाउसेज में रूम्स में एंटर हो, ठीक है, जिससे कि जितने भी कीटाणु होते हैं जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, ठीक है. सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, वी नो दैट जिस तरीके से हम अपने हाउसेज में रहते हैं अर्ली मैंस ऑल्सो लिव इन अ हाउसेज, ठीक है, इन अ अर्ली टाइम्स दे ऑल्सो नीड अ हाउसेज. इट इज़ बिलीव दैट लॉन्ग एगो स्टूडेंट, इट इज़ बिलीव दैट लॉन्ग एगो अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन केव्स. ये बिलीव ये माना जाता है कि अर्ली ह्यूमन्स क्या होते थे, केव्स में लिव करते थे, वो लोग केव्स में रहते थे और took shelter under trees, या फिर वो trees के नीचे रहा करते थे to protect themselves from cold, heat, rain and animals. Student at that time
दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स, ओके, एज सेम एज जैसे मैंने क्लोथ्स में आपको बताया था, दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स, क्योंकि उनको ठंडा लगता था, गर्मी लगती थी, बारिश लगती थी, ठीक है, इस तरीके से वो अपनी बॉडी को कवर करते थे विद द हेल्प ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्रीज और अ स्किन ऑफ अ एनिमल. सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, दे ऑल्सो नीड अ हाउस, बट एट द टाइम दे डोंट नो हाउ टू मेक अ हाउस, तो दे आर लिव इन अ केव्स. वो कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे, अपने आप को बचाने के लिए, सर्दी, गर्मी, बारिश और एनिमल से बचाने के लिए वो हाउसेस में, अपने केव्स में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे. नाउ वी लिव इन अ हाउसेस, हम लोग इस टाइम पे हाउसेस में रहते हैं. अवर हाउसेस सेल्टर अस फ्रॉम, हमारे जो हाउसेस हैं वो हमें सेल्टर करते हैं, हमें बचाते हैं किससे? हीट से, कोल्ड से, रेन से. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर्स एंड हार्म्स, हमारे हाउसेस हमें डेंजर्स और हार्म से भी प्रोटेक्ट करते हैं. सम हाउसेज आर मेड अप ऑफ वुड, स्टोन, मड एंड स्ट्रॉस. कुछ हाउसेस किससे बनाए जाते हैं? मड, स्ट्रॉ से बनाए जाते हैं. जो हाउसेस आपके वुड, लकड़ी, मड, स्ट्रॉ से बनाए जाते हैं, दिस आर कॉल्ड हट्स. इन्हें हम क्या नाम देते हैं? हट्स. मैनी पीपल इन विलेजेस लिव इन दीज हट्स. बहुत सारे लोग जो विलेजेस में रहते हैं वो इन हट्स में रहते हैं. विलेजेस में गांव के लोग मोस्टली इन हट्स का यूज़ करते हैं. ओके, दिस इज़ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ठीक है, विद विच हैव मैनी फ्लैट्स. दे हेल्प अस टू सेव ऑन स्पेस. स्पेस को भी सेव के लिए वर्क काम में आती है ये. What kind of house do you live in, student? आप किस तरीके के houses में रहते हो? The houses we live in our homes. जो house हैं, जो हम कहाँ पे रहते हैं? अपने घरों पे रहते हैं. We must keep our house clean. हमें हमेशा अपने house को कैसे रखना चाहिए? Clean रखना चाहिए, okay? So now, student, in my previous worksheet, I have given you some new words, ठीक है? It's heat, cold, कच्चा, पक्का, मल्टी स्टोरीड, बंगलोस, कारवांस, हाउस बोट, इग्लू, डेजर्ट. एंड आई एम गिविंग सम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो. आई एम गिविंग यू सम हाउसेस पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स ऑफ विच टाइप ऑफ हाउसेस दे आर, ठीक है? यू शुड बी राइट डाउन देयर नेम्स, ओके? एंड द फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू. इट्स अ फिल इन द ब्लैंक्स. द हाउस वी लिव इन आवर होम, ठीक है? द हाउस वी लिव इन इज़ आवर होम. जो हाउस जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? होम कहलाता है. सेकेंड इज अ हाउस मेड अप ऑफ वुड, स्टोन्स, मड एंड स्ट्रॉ, इज कॉल्ड हट. जो हाउसेज आपके मड, स्ट्रॉ, स्टोन से बनते हैं, स्ट्रॉ, स्टोन्स, वुड से बनाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड हट. थर्ड इज हाउसेज बिल्ड वन ऑन टॉप ऑफ अनदर इज कॉल्ड फ्लैट्स. जो हाउसेज एक के ऊपर एक बनाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड फ्लैट्स. नाउ फोर्थ इज अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स. अर्ली ह्यूमंस कहाँ रहते हैं? केव्स में रहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज राइट ट्रू और फॉल्स. अ स्ट्रॉन्ग हाउस इज मेड अप ऑफ मड. जो स्ट्रॉन्ग हाउस है क्या वो मड से बनता है? इट्स फॉल्स. नहीं, मड से नहीं बनता है. स्ट्रॉन्ग हाउस आपका ब्रिक, सीमेंट से बनाए जाते हैं. नंबर टू अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन बंगलोज. अर्ली ह्यूमन बंगलोज में रहते थे? फॉल्स. नहीं, वो बंगलोज में नहीं रहते थे, बिकॉज एट दैट टाइम दे डोंट नो अबाउट द हाउ टू मेक द हाउसेज, सो दैट्स वाई दे लिव इन अ केव्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर्स एंड हार्म्स. इट्स ट्रू, येस, द हाउसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर्स एंड हार्म्स. एस्किमोस लिव्ड इन इग्लूज. येस, ट्रू, एस्किमोस लिव्ड इन इग्लूज. Now our today's worksheet is based on the take the correct options and the question answers, okay? So now student, this is your worksheet number 8. Take the correct answers. A house made on wheel is called, जो house wheel पे बनता है वो क्या कहलाता है? It's igloo, caravans और bungalows. It's caravans. Number 2, houseboats can be seen in, houseboats कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? It's Bihar, कश्मीर और राजस्थान. तो हाउस बोट कैन बी सीन इन कश्मीर, बिकॉज कश्मीर हैविंग सो मैनी कैनल्स. नंबर 3, वी मस्ट हेल्प, वी मस्ट कीप आवर होम. हमें अपने घर को कैसे रखना चाहिए? डर्टी, क्लीन, या बोथ ए बी, डर्टी भी, क्लीन भी? नो, तो वी मस्ट कीप आवर होम क्लीन, ठीक है. नंबर 4th इज अ बिल्डिंग कैन हैव मैनी बिल्डिंग्स, जिसके पास बहुत सारे होते हैं क्या? इट्स हट्स. हट्स होते हैं बहुत सारे, टेंट होते हैं, या फ्लैट्स, वो फ्लैट्स होते हैं. कोई बिल्डिंग जिसके पास बहुत सारे क्या होते हैं? फ्लैट्स होते हैं. ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू लिव इन. स्टूडेंट आप किस तरीके के हाउस में रहते हो आपको लिखना है. इट्स पक्का हाउस, इट्स कच्चा हाउस. ठीक है, राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट. अपने हाउस के बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं. ठीक है, आई हैव अ पक्का हाउस. 5 रूम्स आर देयर इन माई हाउस. ईच एंड एवरी रूम्स हैव टू विंडोज. ठीक है, 1 फैंस, लाइट्स. ठीक है, एवरीथिंग जो भी आपके रूम में है, जिस तरीके का भी आपका हाउस है, अपने हाउस के बारे में आपको 5 सेंटेंस बना करके लिखने हैं. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद से करोगे. नाउ सेकेंड इज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इज व्हाई डू वी नीड अ हाउस. हमें घर क्यों चाहिए. वी नीड अ हाउस टू लीव इन, रहने के लिए. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट वॉट इज अ हाउस बोट. हाउस बोट क्या है. अ हाउस बोट इज अ स्मॉल बोट ऑन अ रिवर, रिवर पे और कैनल, और या फिर कैनल पे होता है, झीलों पे होता है. विच पीपल्स लीव इन, जहाँ पे लोग रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज वेयर डिड अर्ली ह्यूमंस लीव. अर्ली ह्यूमंस कहाँ रहते हैं. अर्ली ह्यूमंस लीव्ड इन केव्स. अर्ली ह्यूमंस केव्स में रहते हैं. एज वी नो दैट कि अर्ली ह्यूमंस को भी प्रोटेक्शन चाहिए होता है. अर्ली ह्यूमंस को भी ठंडा, गर्मी, सर्दी से बचना होता है. सो दैट्स वाई एट दैट टाइम दे डोंट नो अबाउट द हाउसेस. सो नाउ दे लीव्स इन अ केव्स. ओके, नंबर 4, नेम एनी 2 टेम्प्रेरी हाउस. स्टूडेंट सम हाउसेज आर टेम्प्रेरी एंड सम हाउसेज आर परमानेंट. पक्का हाउस इज अ परमानेंट हाउस, जो कि बहुत लंबे लॉन्ग टाइम तक के हमारे पास आता है. लेकिन टेम्प्रेरी हाउसेज होते हैं आपके हर्ड्स, टेंट्स. ठीक है, दीज आर टेम्प्रेरी हाउसेज. ठीक है, जो कि कुछ ही समय के लिए बनाए जाते हैं, आफ्टर दैट वो टूट जाते हैं. तो द 2 टेम्प्रेरी हाउसेज आर इट्स हर्ड्स एंड टेंट्स. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. नंबर 1 इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट अ कारवांस. कारवांस के बारे में क्या स्पेशलिटी है. तो आपको भी बताया था कि कारवांस के बारे में स्पेशल क्या है, कि फर्स्ट थिंग टू कारवान है वो व्हील पे होता है और वो इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकता है. सो नाउ द स्टूडेंट द स्पेशल अबाउट अ कारवांस. व्हाट इज द स्पेशल अबाउट अ कारवांस. कारवांस के बारे में स्पेशलिटी क्या है. अ कारवान इज अ हाउस ऑन व्हील. कारवान क्या है, व्हील पे हाउस बेस्ड है. इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली. ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर दिया जाता है. इट इज स्पेशल अबाउट द कारवांस. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज नेम सम मटेरियल्स यूज टू मेक अ पक्का हाउस. पक्का हाउस बनाने के लिए कुछ मटेरियल यूज होता है, वो हमें राइट डाउन करना है. तो पक्का हाउस बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या मटेरियल होता है. इट्स ब्रिक, सीमेंट, वुड, आयरन, स्टील एंड ग्लास. ठीक है, आर द सम मटेरियल्स विच इज यूज टू मेक अ पक्का हाउस. ये कुछ मटेरियल्स हैं जो कि पक्का हाउस बनाने के लिए काम में आते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब बंगलो. आपको बंगलो को डिस्क्राइब करना है. क्या है बंगलो, किस तरीके का हाउस है बंगलो. सो नाउ अ बंगलो इज एन इंडिपेंडेंट हाउस. एक स्वतंत्र हाउस है. मोस्टली दे आर सिंगल स्टोरीड. ये एक सिंगल स्टोरीड होता है, सिंगल होता है. दे आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़. मोस्टली दे आर फाउंड इन कहाँ देखने को मिलता है, सिटीज़ और टाउन्स में देखने के लिए मिलता है. इट हैज़ ऑल्सो अ लार्ज हाउस विद अ लॉन. ये एक बहुत बड़ा हाउस होता है जिसके पास खुद का एक लॉन होता है. ठीक है, ग्राउंड होता है या फिर आपका गार्डन टाइप का होता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ बंगलो. नाउ स्टूडेंट दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ बंगलो. ठीक है, बंगलो एक इंडिपेंडेंट हाउस है और सिंगल स्टोरीड है ये. ठीक है, नाउ दिस बंगलो ऑल्सो हैविंग द लॉन. ओके, नाउ दिस इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस. देखो हाउस कैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस होता है. ठीक है, ये एक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस है जो कि बन रहा है. We mostly sees these type of houses around us. हमने अपने आसपास भी देखा होगा houses को बनते हुए. Mostly they have a bricks, cement, steels. वहाँ पर सामान रखा रहता है जो कि houses बनाने के लिए काम पर आता है. सीमेंट्स आर मोस्टली यूज. ठीक है, सीमेंट्स और ब्रिक्स से ही मोस्टली बनाए जाते हैं. इससे क्या होता है, ये houses बहुत ही पक्के होते हैं और बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होते हैं. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अ परमानेंट हाउसेस. इन हाउसेस को परमानेंट हाउसेस भी कहा जाता है. सो नाउ स्टूडेंट वी मोस्टली सीन दिस टाइप ऑफ हाउसेस अराउंड अस. हम अपने अगल बगल भी इस तरीके के हाउसेस देखने को मिलते हैं जो कि बन रहे होते हैं. ठीक है, यू ऑल्सो लुक इट. आप अभी अपने घर के आसपास देखेंगे हाउसेस किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं और क्या क्या मटेरियल उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो उसके आसपास रखा होता है.
ओके सो नाउ दिस इज द फ्लैट्स, स्मॉल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे फ्लैट्स हैं, रूम्स हैं जो कि मल्टी स्टोरेड है, वन हाउस के ऊपर दूसरा बना है, दूसरे के ऊपर थर्ड, थर्ड के ऊपर फोर्थ, ठीक है। इट सेव आवर स्पेस, ये हमारे स्पेस को भी सेव करते हैं, ये एक स्मॉल ब्लॉक फ्लैट है। नाउ इट इज़ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ये आपका मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, इसमें एटलीस्ट 14-15 स्टोरीज होती हैं, ठीक है, जिसमें कि एक फ्लैट्स बनाए जाते हैं जो कि लोगों को अवेलेबल भी करवाए जाते हैं, लोग इनमें रहते हैं, ठीक है, दे यूज़ इट, ठीक है। दीज फ्लैट्स सेव आवर स्पेस, हमारे स्पेस को भी सेव करने के लिए यूजफुल होते हैं। ओके सो नाउ स्टूडेंट दिस इज योर वर्कशीट एंड अ चैप्टर अबाउट द हाउसेस। आई थिंक यू हैव टू बी अंडरस्टूड दिस वीडियो वेल, इट विल बी हेल्प यू टू डू योर वर्कशीट। बाय एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके।